नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत का एक राष्ट्रीय पर्व जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। आइए देखते हैं जुड़ी कुछ खास जानकारी। इसी दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों कॉलेजों में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए हर कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया गया है। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को हमारे देश की राजधानी में बहुत सारे आकर्षक करने वाले और मन मोह लेने वाले कार्यक्रम भी किए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है और दिल्ली में बड़ी धूमधाम से परेड भी निकाली जाती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली आते हैं और दिल्ली में बड़ी ही धूमधाम से अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी किया जाता है। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति की सवारी बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली जाती है और भी बहुत से मनमोहक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देश के हर कोने कोने में जगह जगह पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 26 जनवरी का ये त्यौहार केवल भारत द्वारा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में निवास कर रहे प्रत्येक भारतवासी द्वारा मनाया जाता है। वहीं इस खास मौके पर राजधानी रायपुर के महादेव घाट में विद्वान पंडित द्वारा ध्वजारोहण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि महंत राघवेंद्र गिरी, परमेश्वर शास्त्री, दिनेश गिरी महाराज, उपेंद्र गिरी, नमन महाराज, अंकित पांडे, मिहिर शर्मा, दीपक मिश्रा, सूर्यकांत गोस्वामी, लोकेंद्र गोस्वामी, लक्की व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। श्री महादेव घाट संरक्षण एवं विकास समिति के तत्वाधान में आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर श्री महादेव घाट परिसर पे ध्वजारोहण का आयोजन किया गया है। ये हम सभी सनातन धर्मियों के लिए, सनातन परंपरा का निर्वहन करने वालों के लिए एक नई पहल है कि गणतंत्र दिवस तो वैसे सभी के घरों में मनाना चाहिए, सब अपने अपने घर में भी ध्वजारोहण कर सकते हैं, लेकिन एक संगठन, एक समूह की जो बात होती है वो अलग होती है, जिससे हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए अग्रसर रहें, भारत माता की रक्षा के लिए अग्रसर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ भगवान की। आज गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर महादेव घाट परिवार के द्वारा महादेव घाट परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित श्रद्धालुओं सहित समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर महादेव घाट परिवार सहित देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। कि हो गई है पीठ पर्वत सी सूरत बदलनी चाहिए, इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने पर नहीं से पर मेरे सीने में हो कहीं पे हो, लेकिन राष्ट्रवाद की आग जलनी चाहिए। भारत माता की जय। आज हम सभी लोग यहाँ पे महादेव घाट में देश के 73वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ सबने हमने प्रण लिया कि हम देश को अग्रसर करेंगे और जातिवाद से दूर हो गए, संविधान में जो उद्देशिका है उसका हम पालन करेंगे और देश को उन्नत और प्रगति के लिए हम यहाँ पर नमस्कार किए हैं। तो ये थी बुलंदस्तान की कुछ खास जानकारी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए बुलंदस्तान के साथ।